रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन हर साल यही मनाता है। हम लोग एसेट बन गए हैं बंकू के लिए और आपको विकास करके डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म हब तरह से बन गया। सो बिकॉज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पहाड़ में एक बंगाली कम्युनिटी और गोरखा कम्युनिटी का एक ब्रिज का तरह का मतलब काम हो रहा है। सो इधर में रविंद्रनाथ टैगोर का प्रोग्राम एक हारमोनी डेवलप हो रहा है, तो इस हारमोनी को हम लोग और आगे लेकर जाएंगे और इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से जो मंगू में साथ अभी सबसे ज्यादा मंगू में राइटर है, मंगू में कवि है, लिटरेचर मंगू में एडवांस है, वही एक प्रेरणा की वजह से हो रहा है और इसको और आगे लेकर जाना है। और अभी तो इधर में बैठने के लिए 4 रूम भी गवर्नमेंट ने बनाया है, तो जो भी रविंद्रनाथ टैगोर जो विषय में स्टडी करना चाहता है वो आकर इधर में और आकर बैठ के रिसर्च भी कर सकता है। तो हम लोग एक बड़ा अचीवमेंट है। और कोई प्रोग्राम है आपका? जब अभी जीटीए का प्रोग्राम, ये हम लोग पूरा कोलाबरेट करके हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम लोग आगे जाना है। हम लोग टूरिज्म प्रोजेक्ट हम लोग पार्ट ऐसे ही टूरिस्ट एडवांस है, भगवान ने दिया ग्रीनरी टूरिज्म है, बस को पीस मेंटेन करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था ठीक करना है, पानी का व्यवस्था ठीक करना है, ऐसे पहाड़ को ऐसे ब्लेसिंग बाई टूरिज्म बस को मेंटेन करना है। गौरी भवन है वहाँ पर भी रविन्द्रनाथ खड़ा था, उस बारे में कुछ सोचा है अपने गौरी भवन का? हालत अच्छा नहीं है। हम लोग अभी हमको आपने इन्फॉर्म कर दिया, उतना हमको मालूम भी नहीं था, तो मैं डीएम साहब के बैठ के हम लोग गवर्नमेंट के बोलते हैं ठीक करना है सब चीज़। आपका कविता भी बहुत अच्छा था।